कत्ल के मुजरिमों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। बरेली फारूक पुत्र नसीर निवासी बड़ेरापुर थाना हाफिजगंज ने एक मुकदमा 302 का इरशाद इरफान जगन महेशपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन मुजलिम खुलेआम घूम रहे हैं और विधायक का संरक्षण प्राप्त है। मृतक सोनू उर्फ सादिक का अनीता नाम की लड़की से प्रेम प्रसंग था, इस कारण उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस मुजलिमों का बचाव कर रही है और धाराओं में बदली रही है। SSP से मुजलिमों को गिरफ्तार करने की मांग की है। हम दो बहन भाई घर पर थे और कोई घर पर नहीं था। हमारे घर पर 4 लोग आए थे और उन्होंने गला दबा के मार दिया हमारे भाई को। अब उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही है। 5 लाख रुपए दे के नेताओं के दबाव में गिरफ्तार नहीं कर रही है पुलिस का तय। और मुलजिम खुलेआम घूम रहे हैं और हमें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं कतई। कौन लोग हैं? 4 लोग हैं, इरशाद इरफान जागन महेशपाल, 4 लोग हैं। किस तरह मार दिया आपको? हमारे भाई गला घोट के मार दिया। उस समय कौन था घर में? सिर्फ मैं ही अकेली थी बस, और कोई नहीं था घर पर मेरे। 9 दिन चले गए। उसमें तहरीर दी थी लेकिन पुलिस सुनी नहीं रही, हमें इंसाफ दिला ही नहीं रही है बिल्कुल, और हमें धमकी दे रही है बार बार फैसला करने की। गाँव के लोग? हाँ, गाँव के लोग। NG न्यूज से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।